हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पंकज पठानिया। और बच्चों, आज मैं आप बच्चों के लिए एक एक्सपेरिमेंट लेके आया हूँ, वो कि बेसिकली नोडल स्लाइड एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और हमारा जो काम है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का फोकल लेंथ निकालना, ठीक है, यूजिंग नोडल स्लाइड एक्सपेरिमेंट्स। तो हमारा जो एम है, तो बच्चों ये जो नोडल स्लाइड एक्सपेरिमेंट नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ऑप्टिकल्स, यदि हम ऑप्टिक्स की बात करें तो हमारे पास जो है वो कार्डिनल्स पॉइंट्स होते हैं। यदि हम लेंस की बात करें तो कार्डिनल्स पॉइंट हमारे पास 6 होते हैं, 2 हमारे पास प्रिंसिपल पॉइंट, 2 हमारे पास फोकल पॉइंट और 2 हमारे पास नोडल पॉइंट्स। तो नोडल पॉइंट्स वो पॉइंट होते हैं जहां पे हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन यूनिटी होता है। तो हमारे पास 2 नोडल पॉइंट्स, मतलब कि एक नोडल पॉइंट के थ्रू यदि लाइट पास होती है तो दूसरों रिफ्रैक्शन के बाद, मतलब कि लेंस के पास होने के बाद, वो दूसरे फोकल या बोलो कि नोडल पॉइंट पे वो एमर्ज होगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द लाइट प्रोपगेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमारा एम है, तो हमारा टोटली जो एम क्या है जरा देखना, एम है टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस एंड वेरीफाई द फार्मूला फॉर द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो फार्मूला हमें ये वेरीफाई करना है, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। तो ये हमारे पास d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसिंग। तो फोकल लेंथ हमें पहले तो इंडिविजुअली निकालना है लेंस का, फिर हमें उनका कंबाइंड निकालना है डिस्टेंस के साथ में। तो ये हमारा बेसिकली फार्मूला यूज्ड हो गया, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या क्या है, ऑपरेटर्स क्या क्या है, टू कन्वेक्स लेंसेज ऑफ डिफरेंट फोकल लेंथ एंड एन ऑप्टिकल बेंच विद 4 अपराइट्स, अ लैंप ऑफ नैरो ओपनिंग, अ क्रॉस लिट स्क्रीन, नोडल सेट असेंबली एंड अ प्लेन मिरर। तो चार यहाँ पे हमारे पास, 1, 2, ये पूरे का पूरा क्या है हमारे पास टोटल जो है वो जो वो बेंच, ऑप्टिकल बेंच में ये 4 अपराइट्स है। 1 इज योर, दिस इज योर सोर्स, दिस इज द क्रॉस लिट और ये नोडल स्लाइड असेंबली है और ये मिरर है। तो हमें इन दोनों का कंबाइंड फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है। तो पहले हम इंडिविजुअल, जो हमारे पास टेबल 1 है, अब टेबल 1 और टेबल 2 आप बना लीजिए बच्चों, टेबल 1 एंड टेबल 2। तो टेबल 1 में आप देखिए, टेबल 1 में जो है वो लैंप की पोजीशन 0 है, तो लाइट इंसिडेंट ऑन वन फेस, अदर फेस और ये सेकंड है, ये सेकंड लेंस की वन फेस अदर फेस और ये पोजीशन ऑफ द क्रॉस लिट हो गया, यहाँ पे 10 हम रखेंगे और ये नोडल साइड की पोजीशन है और ये फोकल लेंथ बी माइनस है दोनों का f1 और f2। तो ये टेबल 1 हो गया और ये टेबल 2 है। टेबल 2 में हम डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर रखेंगे और फिर 6 सेंटीमीटर रखेंगे, फिर 8 सेंटीमीटर रखेंगे और वन फेस अदर फेस ये पोजीशन 10 रखेंगे और नॉर्थल साइड की पोजीशन हम यहाँ पे नोट करके उसको माइनस कर देंगे। तो ये f1, f2, f3 मिल जाएगा। अब इस फार्मूले से हम ये टेबल 1 की वैल्यू को पुट करके और डी की ये वैल्यू पुट करके फोकल लेंथ हम छोटे के लिए कैलकुलेट करें, जिसे हम f- बोलेंगे और ये जो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे f1, f2 एंड f3, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद बच्चों, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो, ये हमारे पास लेंस है, इसको हमने 0 पोजीशन पे कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया, ये जो है टोटल, देखिए ये है नोडल साइड और ये है क्रॉस साइड, तो क्रॉस साइड की पोजीशन हमने 10 रखी है, तो इसको फिक्स करना है, ये नोडल साइड को हमने मूव करना है। तो अब हमारे पास यहाँ से हमने ये टोटल फोकल लेंथ आ गया, देखिए यहाँ पे 30, जहाँ पे ये शार्प इमेज आपको दिख रही है, तो शार्प इमेज ये देखिए ध्यान से कि यहाँ से लाइट गई, ये रिफ्लेक्ट होके मिरर से वापिस आ गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें फोकल लेंथ कितना हो गया बच्चे, 30 पॉइंट, ये हो गया हमारे पास, देखिए ये कितना हो गया 30.7। इसमें हमें वो वाला पॉइंट लेना जहाँ पे ये शार्प आपको दिखे, ठीक है, इमेज। तो 30, तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे, यहाँ पे 30.6 लिखेंगे, ठीक है, और ये माइनस 30.6 माइनस 10 हो गया 26, तो f1 हो गया 26.6
ठीक है, तो ये हो गया मतलब 30.6 माइनस 10 मतलब 20 माइनस 6 जो हो गया वो F1 हो गया वन साइड। इसी तरह से हम क्या करेंगे अनदर साइड में करेंगे, ठीक है। तो अनदर साइड में हम क्या करेंगे, अनदर साइड में फिर से हमें लोकेट करना है वो पोजीशन कौन से वाला बच्चों, जहाँ पे ये शार्प इमेज दिख रही है ना आपको, शार्प इमेज आप मिरर और इसको चेंज कर सकते हैं। तो इस फेस में हमारा देखो फिर से वही है 30.6 माइनस 10 मतलब कि दूसरे वाला फेस, तो इसमें सेम हमारा 20.6 जो हो गया वो फोकल लेंथ एफ वन आ गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे इस ये जो लेंस है इसका फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे अब हम इस यहां पे इसको अटैच कर देंगे सेकंड वाले लेंस, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब हम इसको फिर जीरो पे रखेंगे, फिर हम वही करेंगे एफ वन और एफ टू। अब हम देखिए यहाँ पे आपको ये क्रॉस ट्रायल का शार्प इमेज नहीं दिख रही है, तो हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा स्लाइड को आगे करेंगे इसको। अब देखिए ये क्रॉस शीट आ गई ना बच्चों, तो ये हो गया 28.8 वन फेस। फिर इसके बाद हमारे पास अनदर फेस आएगा वो भी लगभग वो भी 28.8 पे ही रहेगा, तो इनको माइनस कर देंगे 10 से तो 18.8 ये हो गया फोकल लेंथ ऑफ द F2 ऑफ द सेकंड लेंस, ठीक है। अब हम यहां से फिर सेम हम बच्चों सेकंड अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस करेंगे, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में हम दोनों लेंस को यहां पे रख देंगे बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे यहां पे डिस्टेंस, अभी देखो ये सेंटर है ये डी, ये डिस्टेंस कितना है 20 mm इस तरफ है और 20 mm दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज बेसिकली 40 mm। ये देखो ये हो गया 20, ये हो गया बच्चों 20 है ये और ये 20 है देखो, तो टोटल हो गया 40 mm। तो 40 mm ये हो गया मतलब कि 4 cm। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 4 cm D1 ले लेंगे। अब वन फेस एंड द अदर फेस के लिए हम जब वो वैल्यू को नोट करेंगे, तो वन फेस के लिए हम क्या करेंगे यहाँ से नोडल स्लाइड को आगे पीछे बच्चों देखो अभी आपको कोई भी इमेज नहीं दिख रही है यहाँ पे। अब हम इसको आगे पीछे करके शार्प इमेज लेके जाएंगे, आगे इमेज आपको चेक करना है। तो ये जो पॉइंट है देखिए अब आपको थोड़ा इमेज दिख रही होगी, ये हमारे पास जब ये शार्प इमेज बन जाएगी ये शार्प इमेज है, तो ये वाला पोजीशन हो गया 20.9 और ये हो गया 10, तो 29 माइनस 10 इज 20.9 माइनस 10 इज 19.9 इन केस ऑफ 4 cm। तो ये अब हम बार के अदर फेस में, तो इस फेस में फिर हम इसको रोटेट करेंगे। अब हम इसको रोटेट करेंगे तो रोटेट करने के बाद ये देखिए ध्यान से फिर से हमें इमेज दिखेगी, ये देखिए शार्प इमेज हमें यहाँ पे दिख रही है, अगेन उसी पोजीशन पे दिखेगी, ठीक है। अगेन इट इज 20.9 माइनस 10, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का, ठीक है। इन दस जब आपका डिस्टेंस दोनों के बीच में 4 cm होगा 20 माइनस 20। अब हम इसको 30 और 30 mm सेंटर से इस तरफ 30 इस तरफ लेके गए, ये देखिए 30 ले ली। अब इसको भी हम 30 लेके जाएंगे, तो ये 30 और ये 30, तो ये 30 और ये 30 हो गया 60 cm। तो 60 cm में हमें अब क्या मतलब कि सॉरी 60 mm मतलब 6 cm, तो हमें 6 cm पे हमें क्या निकालना है पोजीशन ऑफ नोडल स्लाइड जहाँ पे कि ये फोकस कर जाए। अब देखिए आपको यह इमेज शार्प नहीं दिख रही, आपको बिल्कुल इसको शार्प इमेज देखना है, ये हो गया शार्प इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने शार्प इमेज को देख लिया, अब इसको नोट करो ये तो 10 ही है और ये नोडल स्लाइड की पोजीशन होगी 21.3। अब हम इसको रोटेट करें मतलब अदर फेस के लिए, तो इसको हमने रोटेट करा, आपको लग रहा है यहाँ पे सेम हमारे पास
स्लिट जो है वो इमेज जो है वो दिख रही है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास ये हम 6 सेंटीमीटर के लिए अगेन 21 पॉइंट, इसको थोड़ा सा देखिए शार्प इमेज आनी चाहिए बच्चों, बस ध्यान यही रखना है कि शार्प इमेज आपको दिखे, ये देखो शार्प इमेज दिख रही है, तो वही 21.6 जो है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे 8 सेंटीमीटर मतलब 80 mm, मतलब सेंटर से इस वाले ये जो लेंस का जो अपराइट जिसमें हम होल्डर रखा है उसको हम क्या कर दें, 40 पे कर दें, 40 mm, और इसको भी 40 mm कर दें, तो ये हो गया हमारे पास 80 mm। तो 80 mm का मतलब है 8 सेंटीमीटर। अब 8 सेंटीमीटर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, 8 सेंटीमीटर में फिर से हमें क्या करना है, वो फोकल पॉइंट कैलकुलेट। देखिए ये फोकल पॉइंट शार्प है, शार्प दिख रहा है, इंसिडेंटली ये साफ आपको दिख रहा है, तो दिस विल बी द पोजीशन ऑफ द नोडल स्लाइड, दैट इज 21.6 and 10, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसको लिखते जाना है 8 सेंटीमीटर में, और इसके बाद हम बात करेंगे अनदर फेस के लिए। तो अनदर फेस के लिए अब हम बात करेंगे इसको इस तरह फेस, तो अनदर फेस में हम अब उसका नोडल साइड की पोजीशन को ढूंढेंगे बच्चे। तो अगेन ये देखिए इसमें हमारे पास ये देखिए आया रहा ना क्रॉल स्लिट शार्प, ठीक है। तो अब ये हमारे पास 21.5 और ये 10 हो गया। तो इसी तरह हमने 8 सेंटीमीटर पे भी यहाँ पे सारे की सारी वैल्यू जो है वो नोट कर ली हैं, और फिर यहाँ से हमने F1 और F2 की वैल्यू इस वाले फार्मूले से हम यूज़ करके D को 4 रखेंगे तो F1 - आएगा, जब D 6 लिखेंगे तो F2 - आएगा, यदि D 8 लिखेंगे तो F3 - आएगा, और F1 F2 हमने एक्सपेरिमेंटली यहाँ से फोकल लेंथ मेजर कर लिया है B - A, ठीक है। फिर हमने इस फार्मूले से निकाला है, फिर इनको आपने क्या कर लिया, दोनों को कंपेयर करना ही, कोई एरर तो नहीं। तो कुछ रीडिंग्स हमने पहले से कैलकुलेट करके रखी हैं बच्चों, तो यहाँ से ये देखिए वन फेस फर्स्ट के लिए 31.4 और 29.10 ये वेरी हो सकती हैं लेंस से, ठीक है बच्चों। लेंस को यदि हम इंटरचेंज कर दें, यदि लेंस कोई और लगा दें तो उसका कुछ फोकल लेंथ अलग होगा, तो ये 10 10 10 हमने ये नहीं सॉरी ये क्रॉस सिट की पोजीशन 10 है और नोडल स्लाइड की पोजीशन जो है उल्टा है, कि ये जो है वो नोडल स्लाइड की पोजीशन 31.4 है और क्रॉस सिट की पोजीशन 10 है, तो इसमें टोटल दोनों को माइनस करेंगे तो 21.4 आएगा, ये उल्टा है, ठीक है। तो क्रॉस सिट की पोजीशन 10 है, ठीक है, तो ये 21.4 हो गया, F1 20.25, F2 इज 20.35, ठीक है। और वन फेस, और इसी तरह से ये है नोडल साइड, ये है क्रॉस सीट, तो क्रॉस सीट 10 है, ठीक है। तो इसी तरह से F1 F2 हमने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से हम अलग अलग डी पे हम वन फेस अदर फेस में ये जो 21.9 है ये नोडल स्लाइड है और ये 10 जो है वो क्रॉस सीट की पोजीशन, दोनों को माइनस करना है, ठीक है। तो 11.9, और इसी तरह से हम ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे नोट करके ये फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन का हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया F1 F2 and F3। अब हमें ये तो एक्सपेरिमेंटली कर लिया बच्चों, अब हम इसको थ्योरेटिकली प्रूव करेंगे फार्मूला के साथ। तो थ्योरेटिकली में हम यहाँ से बात करें तो ये देखिए थ्योरेटिकली द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कन्वेक्स लेंसेज इज 1/F इज इक्वल टू 1/F1 + 1/F2 - D। तो यहाँ से देखो 1/F1 हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, इसको हम डैश मान लें, यहाँ से हम इसको डैश मान लें ताकि हमें एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकली जो है वो कैलकुलेट। तो इसी तरह से हम यहाँ से F2 - F3 ये कैलकुलेट कर लें, तो इसी तरह से हमने पूरे के पूरे ये हमने फार्मूला को उससे हमने जो F1 - F2 and F3, अब दोनों को हम यहाँ पे क्या करेंगे टेबल से और कैलकुलेटर से हम यहाँ से वैल्यू को फिर उसका हम परसेंटेज भी कैलकुलेट करते हैं, यदि कोई एरर होगा तो उसकी हम परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो टेबल को बिल्कुल समझ लीजिए कि क्रॉस सीट की पोजीशन को 10 रखना है, नोडल साइड की पोजीशन जो है वो चेंज है जो हमने नोट की है, तो ये वाला टेबल एक्यूरेट है, इस वाले टेबल को देखिए, ठीक है। तो 10 क्रॉस सीट और नोडल साइड की पोजीशन, तो ये आपको नोट करना। तो आपको अब क्या किया आपने,
की कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की हमने फोकल लेंथ हमने कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, तो आप मतलब उम्मीद है कि आप बच्चों को ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।